हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑलवेज राइज तो आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज़ पढ़ेंगे इसमें मेनली हमें क्या पढ़ना है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पढ़ना है फिर कॉन्सेंट्रेट जोन थियोरी पढ़ना है एंड नेक्स्ट आपका सेक्टर थियोरी पढ़ना है एंड मल्टीपल न्यूक्लियर थियोरी पढ़ना है एक्चुअली ये सारी ही की, की सारी थियोरीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे के सारे आते हैं एग्जाम्स में कभी किसी का नेम पूछ लेंगे कभी किस थियोरी के बीच से पूछ लेंगे तो इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए और इन थ्योरीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्या होता है ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सी से दैट इज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्या होता है कि, कि किसी भी एरिया का जो मिड पॉइंट है जो सेंटर पॉइंट है उसको ही सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं या फिर कह सकते हैं सेंटर पॉइंट कह सकते हैं या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं वो आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है ठीक है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज द एरिया विद इन द सिटी वेयर द रिटेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जहां पे रिटेलिंग होता है गुड्स एंड सर्विसेज जो आपको सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज जहां पर मिल जाए वही मेनली होता है आपका सीबीडी एरिया ठीक है सारी एक्टिविटीज वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं बाकी और जगह से वो आ, बाकी और जगह से वो बेनिफिटेड होता है क्योंकि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है हर एक के दूसरे पे दैट मीन्स कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा वहां पे बाकी चीजों की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी ज्यादा ट्रांसमिशन ज्यादा अच्छे से हो सकता है एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह हम ज्यादा अच्छे से जा सकते हैं बाकी सारी फैसिलिटीज़ ज्यादा अच्छी होंगी ठीक है ये देखिए सी बी डी इज द मोस्ट एक्सेसिबल जोन ठीक है एक सिटी का सबसे ज्यादा एक्सेसिबल जोन होता है सी बी डी ठीक और साथ साथ जब इतना इम्पोर्टेंट है तो वो एरिया जो है सबसे ज्यादा वहां की एरिया लैंड की जो वैल्यू है वो भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है ठीक तो इस तरीके से सीबीडी आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कितना ज्यादा आपका कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज होता है मतलब सबसे ज्यादा हर एक इंच कह सकते हैं उस लैंड का यूजफुल होता है या फिर यूजड होता है आप जाकर के देखिए किसी भी सिटी का कोर एरिया वहां पे सबसे ज्यादा कंजेशन मिलेगा सबसे ज्यादा आपको सारी एक्टिविटीज मिलेंगी ठीक है तो इस इस वजह से आप कह सकते हैं कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज होता है ठीक चलिए फर्स्ट थ्योरी हमारी कॉन्सेंट्रेट जोन थ्योरी बाय ई डब्ल्यू बर्गेज देखिए ये आपको नाम हमेशा याद रखना है सारी थियोरी के प्रोफाउंडर्स के जो नेम्स है ना वो आपको ध्यान ही रखना है हमेशा ही याद रखना है तो ये पूछा जाता है कि या फिर ना आपको सारे मैचिंग में दे देंगे कि किसने कौन सी थियरी बोली थी तो कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी किसने दी थी बर्गीज ने थी इसको आपको ध्यान रखना है अब कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी का क्या मतलब है यहाँ पे इन्होंने कुछ जोन बनाए थे सर्कल्स बनाए थे अराउंड सीबीडी और बताया था कि कैसे जो है वो सीबीडी के हम आसपास जाएंगे तो कैसे हमारा जो है वो कंसेंट्रिक जोन बनता जाएगा अर्बन स्ट्रक्चर में इन्होंने पहला जोन लिया था ये जो कि सीबीडी होता है लूप वन ये आपका सीबीडी है जहाँ पे सारी के सारे आपके मैन जो सारी एक्टिविटीज हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होंगी फिर उसके बाद सेकेंड जोन जो होता है वो ट्रांजिशन जोन होता है थर्ड जोन जो है वहां पर वर्किंग वर्किंग मेन्स होम है मतलब कि जो वर्किंग कम्युनिटी है वो रहती है और फिर उसके बाद रेसिडेंशियल जोन जहाँ पे मिडिल क्लास एंड अपर क्लास के लोग रहते हैं दैट मीन्स ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन यानी कि लेबर क्लास पॉपुलेशन रहती है थर्ड जोन में और फिर फिफ्थ जोन होता है आपका कम्यूटर जोन कम्यूटर जोन मतलब जहाँ से लोगों का आना जाना होता है लोग माइग्रेट करके आते हैं जाते हैं डेली बेसिस पे भी हो सकता है और आपका लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है ये आपका फिफ्थ जोन जो है वो कम्यूटर जोन होता है अब इस थ्योरी में आपको सबसे ज्यादा पहले क्या क्या चीजें याद रखनी है किसने दिया सबसे पहले तो ये ठीक क्युं है कॉन्सेंट्रेट नाम क्यों है क्योंकि ये सर्कल्स पे बेस्ड है फिर उसके बाद सारे जोन फर्स्ट जोन में क्या था सेकंड में क्या था थर्ड में क्या था फोर्थ में क्या था और फिफ्थ में क्या था ये पांचों के पांचों आपको याद रखने और कितने जोन होते हैं जैसा कि हमने पढ़ा है और टेस्ट में भी देखा था कि वॉन थी के पूछ लिया था कितने जोन होते हैं तो इस तरीके से आपको सारे जोन कितने जोन इसमें हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है नेक्स्ट है अब इन्होंने जो थियरी जो ये बेस्ड थी इनकी ये ये शिकागो का इन्होंने स्टडी किया था और वहां के जो अर्बन लैंड यूज के अकॉर्डिंग ही इन्होंने इस थियरी को प्रपाउंड किया था ये शिकागो का प्लान है अर्बन प्लान है जि, जिसके बेसिस पे इन्होंने ये थ्योरी की थी इसमें इन्होंने यही देखा था कि पहले जो है लूप है मतलब सी है फिर उसके बाद ये जोन है ट्रांजिशन जहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं ठीक है ठीके? फिर उसके बाद आपका ये वर्किंग कम्युनिटी वाली एरिया है जहाँ पे वर्किंग कम्युनिटी रहते हैं फिर उसके बाद रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे मिडिल क्लास एंड अपर क्लास पॉपुलेशन रहते हैं और फिर उसके बाद ये दिखाया था कम्यूटर जोन दैट इज फिफ्थ ज़ोन इन्होंने ये थेरी इसी शिकागो के अर्बन अर्बन एरिया या अर्बन प्लान पे ही डिपेंडेंट थी तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन से सिटी या कौन से अर्बन एरिया पे स्टडी किया था तो ये था आपका शिकागो ठीक है चलिए नेक्स्ट थियोरी हमारी सेक्टर थियोरी अब देखिए इस थियरी में बहुत सारे लूप हो सकते हैं कि हमको किसी भी सिटी में ऐसे कॉन्सेंट्रिक जोन बहुत मुश्किल से मिलेंगे कि कॉन्सेंट्रिक जोन ज़रूरी नहीं है कि सारे ऐसे ही हमको मिल जाए तो इसलिए इस क्रिटिसिजम को ओवरकम करने के लिए दूसरी थेरी आई सेक्टर थेरी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या सीबीडी के अराउंड ऐसे ही आपके सर्कल्स बने और कॉन्सेंट्रिक जोन बने जहां पर अलग अलग आ, हम कह सकते हैं कम्युनिटी मिले हमको या फिर एक जोन मिले ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स मिले जो हमें यहाँ पर ऐसे सर्कल्स uh, में ना मिलकर के कुछ ऐसे डाइसेक्टेड पोर्शन मिले जहां पर uh, कह सकते हैं कि जोन हो सकता है कि ये पूरा सर्कल ना हो दूसरा एरिया हो वही इन्होंने सेक्टर थ्योरी में लाए तो ये किसने दिया था होमत होमर हॉयत ये आपको नाम याद रखना है हॉयत ने थियरी दिया था सेक्टर थियरी ठीक है इनका भी यही था फर्स्ट जो है वो सीबीडी होगा ये आपको ये सारे नेम्स बाय हार्ट लर्न होने चाहिए कि कौन से जोन में क्या था या कौन से सेक्टर में क्या था तो फर्स्ट सेक्टर है आपका सीबीडी ठीक है जो कोर एरिया होगा वो आपका सीबीडी होगा फिर सेकेंड देखिए इन्होंने कॉन्सेट्रिक ना बना करके इन्होंने ये एक सेक्टर दिया था कि से, सेकेंड जो आपका सेक्टर है और यहाँ पे इन्होंने सेकेंड को ट्रांजिशन जोन नहीं ये माना था होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होगा सेकेंड सीबीडी के जस्ट पास में क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग होगा और यही मैन्युफैक्चरिंग जो है जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो यहाँ पर आकर के यहाँ पर रिटेल में उसकी बिक्री होगी ठीक है फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड जोन क्या था थर्ड जोन है लोअर क्लास रेसिडेंशियल पॉपुलेशन ये हमने उसमें भी पढ़ा था कि थर्ड जो है वो क्या है लोअर क्लास रेसिडेंशियल जोन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये सेक्टर है ऐसे और फिर ये है आपका जोन ठीक फिर है फोर्थ आपका मीडियम क्लास रेसिडेंशियल पॉपुलेशन वही जैसे कि उधर भी था फिर फिफ्थ यहाँ पे इन्होंने रखा है कम्यूटर जोन नहीं बल्कि हायर क्लास रेसिडेंशियल पॉपुलेशन तो आप यहाँ पे ये यह देख सकते हैं हायर क्लास पॉपुलेशन जोन जो है वो आपको सारे के सारे एरिया में मिल सकता है दैट मीन सीबीडी के जस्ट पास भी और सीबीडी से बहुत दूर भी लेकिन एक चीज यहाँ पे ये यह देखने वाली है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन लाइन है ये आपके हायर क्लास के पूरे एरिया में मिलेगी मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन ऐसे पूरी तरीके से कनेक्टेड होगा ठीक है ये लाइन जो है ये आपको ट्रांसपोर्टेशन एरिया को दिखाती है ये था आपका सेक्टर बाय ठीक है तो सेक्टर थेरी में भी कुछ ऐसे लूपहोल्स थे या कह सकते हैं कि 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 वो थे क्रिटिसिज्म लोगों ने किया था कि सारे ऐसे सेक्टर्स में भी डिविजन हो कोई जरूरी नहीं है इसको ओवरकम करने के लिए एक थ्योरी आई मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी इन्होंने ये बोला था कि ऐसे बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस हो सकते हैं जिसके अराउंड एक्टिविटीज होती हों ये थियरी किसने दिया था हैरिस एंड उलमन ने ठीक है आपको नाम हमेशा याद रखना है किसने दिया था हैरिस एंड उलमन ने इनके अकॉर्डिंग क्या था कि कई सारे मल्टीपल न्यूक्लियां हैं जिसके जिसके अराउंड एक्टिविटीज होती हैं तो सबसे पहला आपका सीबीडी ये वाला सेक्टर फिर इसके बगल में वही होलसेल मैन्युफेक्चरिंग देन थर्ड आपका लोअर क्लास रेसिडेंशियल देखिए ये अगर आपको एक से याद हो गया तो बाकी सारे भी याद हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सेकेंड uh, जो है वो दोनों में होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग है किसमें किसमें मल्टीपल न्यूक्लिया में और आपका सेक्टर थियरी में फिर फोर्थ है आपका मीडियम क्लास रेसिडेंशियल पॉपुलेशन और फिफ्थ है आपका हायर क्लास क्लास रेसिडेंशियल यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम है तीनों थियरी इसके बाद इन्होंने कुछ और न्यूक्लियस दिए थे जैसे कि सिक्स सेवन एट नाइन इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है और लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन था ये डायग्राम बना करके दिया गया था और आपसे एक सेक्टर पूछा गया था कि ये कौन सा थे ये, ये इसको हम क्या कहते हैं ठीक है तो सिक्स्थ है आपका हेवी मैन्युफैक्चरिंग ठीक है तो ये क्या था आपका सेकंड जो था वो लाइट मैन्युफैक्चरिंग था सिक्स्थ तो जो है वो हेवी मैन्युफैक्चरिंग है अब आप देख सकते हैं ये सिक्स्थ तो जो है वो सीबीडी से थोड़ा दूर पे है दैट मींस कि जो आपका कोर एरिया होता है किसी भी सिटी का उससे थोड़ी दूर पे हाई आ, हेवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा पॉल्यूटेड होती है और पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट करती हैं और साथ साथ में ये भी होता है कि इसको थोड़ा लैंड एरिया भी ज्यादा चाहिए होता है जो कि हमारे सी डी के बिल्कुल पास में नहीं मिल पाता है ठीक है अभी हमने पढ़ा पहले कि सी में सबसे ज्यादा कंजेशन होता है ठीक तो इसलिए ये थोड़ा सा सिटी से दूर पे होता है ठीक है नेक्स्ट है आपका सेवेंथ आउटलाइन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जैसे कि यहाँ पे सीबीडी है सबसे कोर एरिया वाला ऐसे ही एक और दूसरा मल्टीपल दूसरा न्यूक्लिया क्या हो जाएगा आउटलाइन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो कि इसको कॉम्पनसेट करेगा और यहाँ पर भी लोगों को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ठीक है फिर उसके बाद रेसिडेंशियल सबब रेसिडेंशियल सबब क्या हो जाएगा कि जो जो लोग यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं रहना सिटी के बिल्कुल पास में वो सिटी से थोड़ा दूर पे रहेंगे और यहाँ पर क्या करने जाएंगे सिर्फ काम करने जाएंगे ठीक है तो ये होता है आपका रेसिडेंशियल सबब और इंडस्ट्रियल सबब क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज बिल्कुल सिटी में नहीं लग सकती हैं बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जो सिटी से थोड़ा दूर पे वर्क करती हैं वो होता है आपका इंडस्ट्रियल स्वभाव तो इस तरीके से आपको ये सिक्स से नाइन थोड़ा डिफरेंट है अलग है जो कि मल्टीपल न्यूक्लियर थियरी में इंकलकेट किया गया था और ये किसने दिया था याद रखना है इसके बाद आता है आपका ये कुछ हमने वैसे तो देखिए यही तीन थ्योरी जनरली पूछी जाती है कॉन्सेंट्रेट देन आपका सेक्टर एंड देन मल्टीपल न्यूक्लिया थ्योरी बट हमने ये आपको एज uh, कह सकते हैं कि एक आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है और ज्यादा और बाकी थियोरीज का कि बाकी और थियोरीज ने किस को किसने किसने प्रोपाउंड किया था क्या कहते हैं और उनके जोन्स क्या हैं ठीक है तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आई विल एक्सप्लेन इट इन अनदर क्लास ओके तो एक बार इसको देख लीजिए वैसे इनसे ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है बट स्टिल आ सकते हैं बिकॉज आपके कोर्स में है ठीक है तो यहाँ तक होता है आपका इंटरनल डिस्ट्रिक्ट इंटरनल सिटी का स्ट्रक्चर कि कैसे जो है वो एक सिटी ग्रो करती है कौन सा सिटी का एरिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ठीक है फिर उसके बाद कैसे कैसे जो है उसको हम जोन में डिवाइड कर सकते हैं या फिर सिटी का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हमने यहाँ पर देखा यही आपका इंटरनल सिटी स्ट्रक्चर और ये कुछ थेरीज थी जो कि अलग अलग लोगों ने प्रोपाउंड किया था ठीक है तो इसके बाद जो है आपको हम नेक्स्ट थियोरी जो पढ़ाएंगे वो होगा आपका नियरेस्ट नेबर एनालिसिस और फिर उसके बाद ग्रोथ पोल थियरीज को हमें अभी ये कुछ थियोरीज बाकी रह गई हैं जो कि हम नेक्स्ट वेन्सडे को कवर करेंगे और आपका जो टेस्ट होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे तो बी रेडी फॉर दैट संडे को एट फाइव पी एम थैंक यू थैंक यू सो मच ये स्लाइड्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो इसको जरूर ज्वाइन कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू थैंक यू सो मच